दोस्तों, क्या चाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शहर और गांव। तो एक भाई का दोस्तों हमें मैसेज भी आया था कि आप हमें ब्रूटर बनाने का तरीका बताएं, ब्रूटर कैसे बनता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में जो उनसे ना ब्रूटर बनाने का तरीका बताएंगे। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही समय में कोई इतने ज़्यादा पैसे भी आपके नहीं लगेंगे और बहुत ही अच्छा ब्रूटर आप इन चीज़ों के लिए ब्रूटर बना सकते हैं। तो हमने जो उनकी ना चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, पहले मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी आपको चीज़ें चाहिए, उसके बाद आपको बना के दिखाते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी सामान पूरा है। सबसे पहले आपने दोस्तों डब्बा लेना है। ये दोस्तों थर्मोपोल का डब्बा है, ठीक है। आप ये भी ले सकते हैं और अगर आप दूसरा डब्बा चाहें, यानी कि ये जो सा कार्टून है, ये भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसको इस दफ़ा हम ये यूज़ कर रहे हैं। एक कार्टून टेप, एक 60 वाट का बल्ब, आपके पास होल्डर होना चाहिए, एक कटर होना चाहिए, 12 वोल्ट का चार्जर, 1209 ये जो सी डिवाइस है, ये आम आपको जो है ना हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगी, और ये वाला चार्जर भी, और साथ में एक होल्डर हमें चाहिए, ठीक है। और एक ये लाइट जो आपको बताते हैं, ये वाली लाइट किस लिए चाहिए ये भी आपको बताते हैं। साथ में आपके पास थोड़ी सी तार होनी चाहिए। तो अब आपको बनाकर हम दिखाते हैं दोस्तों, पूरा करते हैं स्टार्ट वीडियो। सारे सामान को कर देंगे साइड पे, इसको हम लेकर आएंगे आगे। शीशा भी आपको चाहिए होगा इसके अंदर ना, छोटा सा शीशा आप देशक ले लें। ये आगे सामान आगे, और दोस्तों ये जो थर्मोपोल का डब्बा है ना, ये अगर आप लाहौर शहर से हैं ना, तो आपको ये हार रोड वाली साइड से ना मिल जाएगा बड़े इजीली, आपको मुश्किल नहीं होगी ये ढूंढने में। 300-400 तक का मिलेगा, इससे ज़्यादा महंगा नहीं होगा। अगर दूसरे शहर में है तो उसका मुझे कंफर्म नहीं है कि वो कहाँ से मिलेगा। तो ये देखें जी, इसका हमने ऊपर वाला ढक्कन जो उनसे उतार लिया, और हमने इसको काटना यहाँ से ना। इतना ऐसा ना आपने काट लेना है, ये देखें ये आ गया यहाँ पे, और ये जो ना इतना हिस्सा कट के चलिए बल्ब की और डिवाइस की सारी सेटिंग्स के अंदर करेंगे हम। चलिए करते हैं W1209। इसकी सेटिंग सबसे पहले देख लेते हैं। ये ग्राउंड है, ठीक है। इसके अलावा ये 12 वोल्ट की सप्लाई है जो हमने चार्जर लगाना है, और K1 K0 ये बल्ब की वायरिंग है AC वोल्ट की, ठीक है। यहाँ पर हमने बल्ब कनेक्ट करना है, तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। कैसे इसकी भी सारी सेटिंग आपको हम बता देते हैं कि कैसे करना है। हाँ जी, इनको खरपेचे कहते हैं जिनसे इनको ना हम लगा रहे हैं, खरपेचों से। ये हमने एक छोटी सी तार इधर लगाई है, और एक जो सी है 12 वोल्ट पे एक लगाई है रेड वाली तार, ब्लू वाली तार ग्राउंड में लगाई है। ये इतना सा पीस आपने ले लेना छोटा सा, और ये आपने इधर लगाना है। ये जी हम सुराख कर रहे हैं इसके अंदर काविये की मदद से, बहुत अच्छा सुराख करता है काविया। ये तार अंदर जाएगी इसके ना यहाँ से, एक सुराख हमने इधर कर लिया ये बल्ब की तार, बल्ब की तार के लिए। ये हम इसके अंदर लटका देंगे ऊपर से नीचे, ये बल्ब है, ठीक है। ये नीचे आ गई, अच्छा जी। ये हमारे पास प्लस है, ठीक है। DC वोल्ट जो होते हैं उनके अंदर प्लस माइनस का बहुत ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि AC में नहीं होता, DC में प्लस माइनस लाजमी होते हैं, वरना वो काम नहीं करेगा। ये हमने तैयार करनी है बस इस तरह के। अब ये देखें, इसका जो है ये रेड प्लस है और ये माइनस है, ठीक हो गया। अब हम ये कर चुके हैं, ठीक है। और अब इसके साथ हम लगा लेते हैं चार्जर 12 वोल्ट का। ये हमारे पास अब चार्जर आ गया, बस ये कि ये प्लस वाली है, ये माइनस है, क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको कि ये देखें, ये हमने लगाई, लाइट नहीं चली, नहीं चली, यही ध्यान रखना है। और इधर हम लगा लेते हैं, अब दोबारा से चेंज कर लेते हैं रेड के साथ वाइट, ये इसका प्लस है बेसिकली। ये लगाई,
ये देखें दोस्तों लाइट जल गई है, ये लाइट जल गई ठीक है, ये 12 वोल्ट पे चलेगी। इसको हम अंदर एक ही जगह पे इकट्ठा कर लेंगे, इसकी तार ऊपर से ले आते हैं। अगर हम इसकी वायरिंग कुछ अगर माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखेंगे ना दोस्तों तो काम आपका नहीं होगा, माइनस प्लस का आपने ध्यान रखना है इसके अंदर। हाँ जी, ये हम तार नीचे से ले आए हैं ठीक है, ये चार्जर की तार हमारे पास आ गई, ये चार्जर की तार इसके साथ लगाएंगे। वो देखें दोस्तों लाइट जल चुकी है, दिखाते हैं ऊपर डिवाइस भी चल गई है, ये देखें डिवाइस भी चल चुकी है साथ ही ना, अब चार्जर की भी तार ऊपर से आ गई और ये जो से छोटी तार लगाई थी ये भी अंदर से ऊपर से ही आई है। चलें इसको लगा लेते हैं यहाँ पे लाइट को, बल्ब की यहाँ बल्ब लगे यहाँ पर लगना है ना, तो इसके पास ही लगा लेते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, ये सिलिकॉन से लगा लेते हैं, इसकी अपनी चिपक जो है ना वो ज़रा कम है, कम है, सिलिकॉन सूख जाएगा ये। अब हमने क्या लगाना है, अब बढ़िया हो बल्ब की, पहले हम ये चेक कर लेते हैं ना कि ये हमारा एक काम हो गया ठीक है, अगर ये बस तो समय लग जाए। ये लगाया हमने डॉक्टर और ये लाइट चल गई हमारी ठीक है, और ये ऊपर से डिवाइस भी चल गई क्योंकि डिवाइस भी जो है ये 12 वोल्ट पे चलती है ठीक है, यानी कि ये वाले चार्जर के ऊपर चार्जर भी, हाँ, और ये लाइट भी, ये लाइट भी, तो हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया, चार्जर को इन दोनों को से कनेक्ट कर दिया ठीक हो गया। एक तार यहाँ से ले जाके बाकी यहाँ पर तीन जॉइंट हमने डाल दिए थे, यहाँ पर हमने डिवाइस की तार भी लगा दी थी, यहाँ पर चार्जर की तार भी लगा दी थी और इसकी हमने लाइट की भी लगा दी थी ठीक है, ये हमारा एक सेक्शन क्लियर हो गया ठीक हो गया। अब हमने इसके ऊपर लगाना है बल्ब, लाइट इसलिए है ताकि अंदर ज़्यादा अंधेरा ना हो, क्योंकि जो बल्ब है ना वो अपने टेम्परेचर के साथ बार बार चलता रहता है और बंद होता रहता है, तो अंधेरा होना फिर लाइट चलना फिर अंधेरा होना, फिर इस तरह चूसे जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये देखें जी यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा बल्ब यहाँ पर आ गया ठीक है, इसको हम यहाँ पर गिला लगा लेते हैं, ये हमने गिरा तो गाली मजबूती से, इसकी हम वायरिंग कर लेंगे। इसकी तार भी हमने 1209 में ही लगानी है, बिल्कुल एक लगानी है सिर्फ एक, एक हमारी डायरेक्ट रहेगी ठीक है, एक को हमने सिर्फ कट करने के लिए कनेक्शन करना है K1, K2, K0 और K1 के अंदर, इससे ये होगा कि एक तार K1 में लगेगी दूसरी तार जो है वो K2 में लगेगी। मैं दिखाता हूँ कैसे लगती है ठीक है, पहले हम एक लगा लेते हैं, ये एक तार आप बना लें, स्विच बनाया हुआ है स्विच छोटा सा, हाँ बिल्कुल ये हमने बना लिया होगा, स्विच की तार एक लगाएंगे इसके साथ, बिल्कुल एक तार हमने यहाँ पे लगा ली, अब हम एक तार यहाँ पे लगा लेंगे इसके ठीक है, स्विच की जो सी तार है स्विच की हम तार लगा लेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसने कट करना है लाइट को अंदर, जब टेम्परेचर ऊपर जाएगा 30 या 32 से तो इसने कट करना होता है, तो इस तरह ज़रूरी है K1 में लगानी है इसकी तार, ये अब हम K1 में लगा लेते हैं ठीक। ये दो तारें अब बची हैं हमारे पास, एक है होल्डर की और एक स्विच की, एक इधर बची ठीक है, ये देखें ये एक स्विच की तार अब एक बची ठीक है, इधर से हमारे पास बल्ब की तार एक बची, इनको हम आपस में जोड़ लेंगे ठीक हो गया। चेक कर लेते हैं लगा के, ये देखें जी दोस्तों काम हमारा हो गया, ये हमारी लाइट चल गई है, ये हम वापस लगा लेते हैं अभी इसको, अभी सिलिकॉन से लगा लेते हैं, और ये देखें जी सारा सेटअप हो गया क्लियर, बल्ब जल गया, ये यहाँ पर इसकी तारें आ गई हैं, इनको अब हम अच्छे तरीके से यहीं पर ही टेप कर लेंगे, इसको बंद कर लेते हैं।
अगर आपको कोई मसला आता है ना सेटिंग के अंदर तारों की, तो एडजस्टमेंट के अंदर, तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बताएंगे, लाजमी गाइड कर देंगे। अब डब्बे के ऊपर हम लगाएंगे 200 शीशा। माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आ गई है, शीशा भी लग चुका है माशाल्लाह। इसको ना हमने 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि सिलिकॉन जो सी है ना वो ज़रा सूख जाए, तो 10 से 15 मिनट इसको आप छोड़ दें, हमने छोड़ दिया था। माशाल्लाह से जो सा ना शीशा अपनी जगह पे खड़ा हो चुका है। अब हम इसके अंदर पहले करेंगे सारी सफाई अंदर से, और इसके ऊपर इसके अंदर डालेंगे तूड़ी, तो उसके बाद जो ना अपने चूज़ों को इसके अंदर शिफ्ट करेंगे दोस्तों। दोस्तों माशाल्लाह से लाइट हमारी जल चुकी है, वो देखें। ये ना इसका बेसिकली ये टेम्परेचर को वेरीफाई करता है कि थर्मामीटर एक तरह का वेरीफाई करता है कितना अंदर टेम्परेचर है। ठीक है, ठीक है। ये आगे सिग्नल इसको देता है, फिर ये इसको यानी कि बंद करता है बल्ब को। तो ये हम इसके अंदर लगा देंगे साइड से। ये ना हमने अंदर कर दिया सुराख से, अंदर का टेम्परेचर बता देगा उसको डिवाइस को। वो देखें वो आ गया। ये सेटिंग ब्रूटर की है, इंक्यूबेटर की नहीं है। इंक्यूबेटर में चेंज होती है। अब गर्मियों का सीज़न है तो हमारा जो टेम्परेचर अमूमन आम जो टेम्परेचर है वो 25-24 चल रहा है अभी। ठीक है, तो हम इसको सेट कर लेंगे। बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हमारे, जो वन डे हैं उनको हमने 32 पे रखना है टेम्परेचर, और ये जो हमारे हफ्ते के हैं तो इनको हम रख लेंगे 30 के ऊपर। ठीक है, इसको 30 पे सेट कर लेंगे। दूसरा 30 पे ये सेट का इसका बटन है। ठीक है, यहाँ से आप इसका टेम्परेचर और इसी सेटिंग है मैं वो बता देता हूँ सिंपल सी। ये P0 आ गया, आपने प्रेस करके रखना है इसे सेट को, तो ये P0 आ गया। इसको एक बार और प्रेस करेंगे, ये H आ गया। ये आपने H रखना है, C नहीं रखना। ठीक है, C रखेंगे तो आपका बल्ब नहीं चलेगा ये नीचे वाला। ये देखें दोस्तों, C रखेंगे तो बल्ब नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। इसको हमने रखना है H के ऊपर। दोबारा कर लेते हैं, सेट को दबा के रखा हमने, प्रेस करके रखा, इसके बाद ये P0 आ गया। एक बार क्लिक किया और यहाँ से एच। ये देखें दोस्तों बल्ब चल गया, ये रेड लाइट भी चल जाएगी, ये लाइट भी चल गई है। ठीक है, तो अब जो उनसे ना दोस्तों हम अपने चूज़ों को इसके अंदर शिफ्ट करते हैं। ये देखें कि हमारे चूज़े आ गए हैं। अब आपको हम समझा देते हैं, अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं ब्रूटर तो आपने सुराख कैसे करने हैं। तो पहले हम इसका ऊपर वाला बंद कर देते हैं ढक्कन, वो लगा देते हैं। तो अब ये हो गया एयर लॉक। अब हमने ना इसके अंदर सुराख लाजमी करने हैं आपने, ये देख ज़रा बड़े करने हैं, इंक्यूबेटर में इतने नहीं होते, इसके अंदर आपने बड़े करने हैं। ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल शहर और गांव को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों कल वाली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।